हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेंद्र राजावत सीरीज अमवाई इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं रेशनल नंबर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम कवर करेंगे इंटीजर्स को। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 का एक क्विक रिकैप देख लेते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ा था। अगर आप लोगों ने पहले लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, उसके बाद में लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कीजिए। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने कवर किया था नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। फिर उसके हमने 4 पार्ट्स पढ़े थे, या 4 उनको क्लासीफाई कर दिया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो 0 से स्टार्ट होकर आगे तक जाने वाले सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। तो अब हम लेक्चर नंबर 2 में कवर करने वाले हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, अगर हम सभी पॉजिटिव नंबर्स के साथ में अगर नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर ले, ध्यान रखना इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो डेसिमल नहीं होते, डेसिमल में नहीं हो सकते, दशमलव में नहीं हो सकते, या जो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो देखो हिंदी में जो नाम है ना, इससे आसानी से समझ में आ जाएगा, पूर्णांक मतलब पूरा नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, टुकड़े में नहीं होना चाहिए, या फिर पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो उन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, 0 से लेके आगे तक के सभी नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। इन्हीं नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स, माइनस वाले नंबर्स को भी क्या कर लिया हमने, शामिल कर लिया। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स को आई या जेड से डिनोट किया जाता है। I4 तो इंटीजर पता चल गया होगा, जेड। देखो जेड क्या होता है समझ लो, जेड एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका नाम है जहलीन। इसका मतलब होता है टू काउंट, यानी गिनती करना। अब गिनती कैसे होती है, हम तो बोलते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, एक्चुअल में गिनती क्या हो रही है, माइनस के इन्फिनिटी से चलती हुई आ रही है, फिर आगे तक आएगी, फिर -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 और प्लस के इन्फिनिटी यानी अनंत तक चल जाएगी। तो इसीलिए इसका नाम क्या लिखा है, जेड से भी डिनोट किया जाता है, जहलीन, यानी कि टू काउंट, यानी गिनना इसको, ठीक है। अब देखो इंटीजर्स को भी हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले कैटेगरी जो हमने बनाई है वो है पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। जो प्लस के जो नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। इनको आई प्लस से या फिर जेड प्लस से डिनोट किया जाता है। तो कौन से नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। अब ध्यान से देखो, क्या हम पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर भी क्या होते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही होते थे। और इसी तरीके से दूसरा जो क्लासिफिकेशन हमने किया है इनका, वो है नेगेटिव इंटीजर्स, यानी ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक को आई माइनस या जेड माइनस से डिनोट किया जाता है। तो क्या होगा, इन्हीं नंबर्स के सबके नेगेटिव बना दो तो वो सब क्या हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, जो जीरो होता है उसको ना तो हम पॉजिटिव मानते ना ही हम नेगेटिव मानते। तो इसलिए लिखा है, देखो, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नोर एन नेगेटिव इंटीजर, इसको हम न्यूट्रल बोल सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, जीरो हैज नो साइन, जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता है, प्लस या माइनस का कोई भी नहीं मानेंगे, जीरो को न्यूट्रल मानेंगे, ठीक है। कभी भी प्लस या माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक छोटा सा टॉपिक और दिया हुआ है, रोल ऑफ जीरो या रूल ऑफ जीरो। तो जीरो का क्या रोल होता है वो समझो, देखो किसी भी नंबर में अगर जीरो को ऐड कर दिया जाता है तो हमें वही नंबर मिल जाता है, अगर किसी भी नंबर में से जीरो को माइनस कर दिया जाता है तो भी हमें वही नंबर मिलता है, लेकिन अगर किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। या किसी नंबर के जीरो में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना कि जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ, वो खुद जीरो नहीं होना चाहिए, तो भी हमें क्या मिलता है, जीरो। तो जीरो का बहुत ज़्यादा रोल है, और ये तो आपको पता ही होगा कि जीरो की खोज भारत के बहुत ही महान गणितज्ञ थे जिनका नाम था आर्यभट्ट, उन्होंने की थी। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के बाद में जो नंबर्स आते हैं वो है हमारे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ध्यान से समझना। देखो नॉन पॉजिटिव यानी कि जो पॉजिटिव नहीं है, मतलब अधनात्मक पूर्णांक। तो ध्यान से देखो, ये सभी नंबर्स क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव तो हो नहीं सकते। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा था कि जीरो भी पॉजिटिव नहीं होता, वो नेगेटिव भी नहीं होता लेकिन पॉजिटिव नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, जीरो को भी यहाँ शामिल कर लेंगे। इसका मतलब नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स वो हो गए जो पॉजिटिव नहीं है। तो ये तो होते ही नहीं पॉजिटिव, और जीरो भी पॉजिटिव नहीं होता, तो जीरो को भी यहाँ क्या कर लिया हमने, शामिल कर लिया। इसी तरीके से अगले नंबर है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जो नेगेटिव नहीं है। तो ये नंबर तो नेगेटिव होते ही नहीं है,
और हमें पता है जीरो भी नेगेटिव नहीं होता, तो जीरो को भी क्या कर लेंगे इसमें इंक्लूड कर लेंगे, यानी शामिल कर लेंगे। तो ध्यान से देखो, क्या हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी अऋणात्मक पूर्णांक जो है क्या इनको डब्लू भी बोल सकते हैं, क्योंकि होल नंबर्स यानी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 होती है। तो ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन में होल नंबर्स की जगह अगर अऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं तो कन्फ्यूज नहीं होना है। इसी तरीके से दो कैटेगरी और बना सकते हैं हम, ओड इंटीजर्स किसको बोलते हैं और इवन इंटीजर्स किसको बोलते हैं, यानी कि विषम पूर्णांक और समपूर्णांक किसको बोलते हैं। तो ओड इंटीजर्स यानी विषम पूर्णांक होते हैं जो नॉट डिविजिबल बाय टू, जिनके अंदर दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वो क्या होते हैं, ओड होते हैं यानी विषम होते हैं, और जो डिविजिबल बाय टू होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इवन कहलाते हैं। तो देखो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फाइव, प्लस माइनस सेवन, ये सब क्या है, इनके अंदर दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो ये सभी नंबर्स क्या है, ओड इंटीजर्स है। अब एक चीज और ध्यान देना कि ओड इंटीजर्स को लिखने के लिए हमने एक सिंपल फॉर्मूला बना दिया है, 2n+1। तो इस फॉर्मूले के अंदर n क्या है, इंटीजर है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 या -1, 2, 3, 4, 5। इस n की जगह पे इंटीजर्स की वैल्यू आप रखते जाओ, आपको क्या मिलेंगे, सारे के सारे ओड इंटीजर्स मिल जाएंगे। मैं कुछ वैल्यूज निकाल के बता देता हूँ। देखो, 2n+1 के अंदर हमने क्या किया, n की जगह पे 0 रखा, तो 2n ये वाला 0 हो जाएगा, 2 × 0, ठीक है, और 1 बच गया, तो यहाँ से हमारे को क्या मिल गया, 1 मिल गया। अगर यहाँ पे 1 रखे n की जगह पे तो क्या मिलेगा, 2 + 1, 2 × 1, 2 हो गया, 2 + 1 कितना हो गया, 3, यानी 3 मिल गया। और -1 रखे n की जगह पे तो क्या होगा, 2 × -1, माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस के 2 में प्लस का 1 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो देखो, +-1 हो गया, ऐसे 2 रख के देखोगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 × 2 = 4, 4 + 1 = 5 मिल गया, और माइनस का 2 रखेंगे तो 2 × -2 करेंगे तो माइनस का 4 हो गया, और उसमें प्लस का 1 करेंगे तो माइनस का 3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखो, ये वाला और ये वाला नंबर भी हमारे को मिल गया, यानी कि जितने भी ओड नंबर्स है, इंटीजर्स है, वो सारे के सारे 2n+1 के अंदर n की वैल्यूज यानी इंटीजर वैल्यूज हम रखते जाएंगे तो हमारे को सारे के सारे ओड इंटीजर्स मिल जाएंगे। इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, कौन कौन से होंगे, 0, ±2, ±4, ±6, इनको हम कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 2n से। तो देखो, n बराबर 0 रखो तो 0 मिल गया, n बराबर 1 रखो तो 2 मिल गया, -1 रखो तो -2 मिल गया, 2 रखो तो 2 × 4 मिल गया, और माइनस का 2 रखो तो 2 × 4, और प्लस माइनस माइनस का 4 मिल गया। यानी सभी के सभी इवन इंटीजर्स हमारे को किससे मिल सकते हैं, इससे मिल सकते हैं। अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, देखो एक ध्यान से समझना इसको, कि अगर हम यहाँ, मैं हिंदी में नहीं लिखा है मैंने इसलिए शॉर्ट में पहले ही लिख दिया है, ओड मतलब विषम और इवन मतलब सम। तो देखो, दो ओड नंबर्स को कभी भी सम किया जाएगा तो हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। कैसे, हम देखो करके देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, दो ओड नंबर ले रहे हैं, जैसे 5 + 7 ले लिया, इनका सम कितना आ रहा है, 12, जो कि क्या होता है, इवन होता है। इवन प्लस इवन हमेशा इवन आता है, जैसे करके देख लो, 8 + 4 किया तो ये कितना आ रहा है, 12, ठीक है। आप कोई ओड नंबर भी लेके देख सकते हो, दो इवन नंबर लेना, उनका जब जोड़ करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा। लेकिन एक ओड या एक इवन या एक इवन या एक ओड, इनको कभी भी प्लस किया जाएगा तो ये हमेशा क्या देगा, ओड देगा। देखो, हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, 7 + 1 एक ओड है और दूसरा क्या है, इवन है, तो 6 ले लिया, ये इवन ले लिया, तो इनका सम कितना आ रहा है, 13। या फिर उल्टा करके देख सकते हो, 8 + 3 ले लिया तो इनका क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो देखो, इवन प्लस ओड करो या ओड प्लस इवन करो, हमेशा उनका सम आ रहा है, वो क्या आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी होता है कि इवन नंबर को ओड नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इवन आता है, ओड को इवन से मल्टीप्लाई करें तो भी इवन आता है। अभी एग्जांपल्स भी बता दूंगा, इवन को इवन से मल्टीप्लाई करें तो भी इवन आता है, केवल ओड तभी आएगा जब ओड नंबर को ओड नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो इनके भी एग्जांपल्स देख लो, जैसे इवन को ओड से मल्टीप्लाई किया, जैसे 7 को 5, इवन लेना है ना, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 30, जो कि इवन है। ओड को इवन से करें तो 5 को 6 से करके देख लो तो ये भी कितना आया, 30। इवन को इवन से करें, 4 को 6 से करो, 24, तो भी इवन ही मिला। अगर ओड को ओड से करें तो जैसे 7 को 5 से करो तो कितना आ रहा है, 35। तो दो ओड नंबर से यानी कि दो विषम संख्याओं को अगर गुणा किया जाता है तो वो भी क्या आएगा, विषम ही हमारे को मिलेगा। तो ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है कि बताओ किन दो नंबर्स का जो सम है
वो क्या मिलेगा, या फिर उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लिकेशन है वो ओड होगा या इवन होगा। तो अगर आपको ये याद रहेगा तो डायरेक्ट आप बता सकते हो। उसी तरीके से देखो, हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है, इंटीजर्स हमारे लगभग ख़त्म हो जाएंगे। अब हमारे को इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी है आगे, तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं इंटीजर नंबर लाइन क्या होती है। हमने नेचुरल नंबर लाइन भी पढ़ी थी और होल नंबर लाइन पढ़ी थी, जिसके होल नंबर लाइन में क्या होता था, किसी जितने भी होल नंबर से उनको क्या कर सकते हैं, एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कहाँ से स्टार्ट होती थी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो वन साइडेड लाइन थी, एक ही साइड चलती थी। लेकिन इंटीजर नंबर लाइन में क्या होगा, वो दोनों साइड चलेगी, जीरो के आगे भी और जीरो से पहले भी। तो देखो इंटीजर नंबर लाइन क्या होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और -1, -2, -3 ये आगे हो गया। आपने 7th क्लास में क्या हो किया होगा, इंटीजर नंबर लाइन की हेल्प से एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना सीखा होगा। अभी यहाँ आपके 8th क्लास के सिलेबस में तो वो है नहीं, इसलिए मैं वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं बता रहा हूँ आपको। लेकिन आप ध्यान रखना इंटीजर नंबर लाइन क्या होती है, जिसके दोनों साइड है, ध्यान रखना दोनों साइड में जाएगी, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड। इस साइड को हम बोल सकते हैं पॉजिटिव साइड, ठीक है, और ये वाली साइड क्या हो सकती है, हम बोल सकते हैं इसको नेगेटिव साइड। तो ये चीज भी आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक बार हमने आज जो भी पढ़ा है उसको एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं हम। देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, वो सभी नंबर जो या तो डेसिमल में नहीं होते या फ्रैक्शन में नहीं होते। तो इंटीजर्स कौन कौन से नंबर हो गए, 0, 1, 2, 3 और इधर की तरफ -1, -2, ये सभी नंबर्स क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स के भी हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन कर दिए थे। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो प्लस वाले नंबर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और जो माइनस वाले नंबर्स हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। और हमने यहाँ फिर एक नोट देखा था कि जीरो को ना तो पॉजिटिव मानते हैं ना ही नेगेटिव मानते हैं। फिर नॉन पॉजिटिव पढ़ा था, यानी जो पॉजिटिव नहीं है। तो देखो -1, -2, -3 और यहाँ पे जीरो भी हमने शामिल कर लिया था, तो ये क्या हो गए, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। फिर नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं है, तो कौन कौन से नंबर्स नेगेटिव नहीं होते, 1, 2, 3, 4 ये तो होते ही नहीं है नेगेटिव, लेकिन जीरो भी नेगेटिव नहीं होता, इसको हम W भी बोल सकते थे। और इसी तरीके से जो पॉजिटिव इंटीजर्स थे इसको हमने नेचुरल नंबर भी बोला था। और इंटीजर्स कौन से होते थे, जो दो से डिविजिबल नहीं होते थे, यानी +-1, +-3 इस टाइप के, इनका जनरल फॉर्मूला क्या बना लिया था हमने, 2n+1। यहाँ पे n की जगह पे इंटीजर वैल्यूज रखते गए और हमारे को सारे के सारे ओड इंटीजर्स मिल गए। इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं, 0, +-2, +-4 ये सभी क्या है, इवन है, जो कि दो से पूरे पूरे डिविजिबल होते हैं। इनके लिए हमने क्या किया था, एक फॉर्मूला बना लिया था 2n। तो 2n में जैसे जैसे वैल्यू रखते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, n की जगह पे इंटीजर वैल्यूज, तो हमारे को सारे के सारे ओड नंबर मिल जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हमने इंटीजर्स को कंप्लीट कर लिया है। अब इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ध्यान रखना इंटीजर्स की जो प्रॉपर्टीज होगी उन्हीं प्रॉपर्टीज से हम क्या करेंगे, सेम वैसे के वैसे रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो आप इंटीजर्स को बहुत अच्छे से समझना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो आपको रेशनल नंबर्स का जो बचा हुआ पार्ट है, अभी तक हमने देखो रेशनल नंबर्स तो स्टार्ट भी नहीं किया है, उसका बेसिक हम पहले पढ़ रहे हैं, सभी नंबर्स को पढ़ रहे हैं। एक बार सारे नंबर्स हमारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो फिर रेशनल नंबर्स हम बहुत ही जल्दी से उसको ख़त्म कर लेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसको बहुत अच्छे से वीडियो को देखना, पार्ट 1 जरूर देखना, पार्ट 1 देखने के बाद में ही पार्ट 2 देखना, जिससे कि क्या होगा, आपको पार्ट 1 में जितने भी टॉपिक्स मैंने पहले पढ़ाए हैं वो सारे के सारे क्लियर रहेंगे, दिमाग में रहेंगे, तो आप पार्ट 2 को आसानी से समझ सकोगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो अच्छा लगे तो कॉमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ में जरूर शेयर करना, उनको भी बताना कि YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियोज होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए और आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ्री में जो आपको ये YouTube पे कंटेंट अवेलेबल करवाया जा रहा है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सको। थैंक यू।